नमस्कार। कहीं आप तो अपने बच्चे के लिए बुलडोजर पेरेंट नहीं बन रहे हो? आजकल बुलडोजर पेरेंट बहुत चल रहे हैं। बुलडोजर पेरेंट का मतलब पता है आपको? जाना माने मनोवैज्ञानिक चिकित्सक कहते हैं कि आजकल बुलडोजर पेरेंटिंग बहुत ज्यादा चल रही है। बुलडोजर पेरेंटिंग का मतलब है कि बच्चे के सामने कोई समस्या आए तो आप माता पिता उसके लिए ढाल बनकर आगे खड़े हो जाते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा अभी छोटा है, वो इस समस्या को नहीं झेल पाएगा, मेरा बच्ची अभी बहुत छोटी है, ये जिम्मेदारी नहीं ले पाएगी, मेरा बच्चा अभी मार्केट में नहीं जा सकता है, कुछ खरीदारी नहीं कर सकता है, कुछ भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। बस माता पिता उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो, और हर समस्या आती है तो फादर और मदर उसके लिए ढाल बन जाते हैं, और उनको पता नहीं है कि हम अपने बच्चे के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम, यही समस्या आने वाले समय में बच्चे के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगी। अगर आप अपने बच्चे को समस्या नहीं झेलने दोगे, जिम्मेदारी नहीं लेने दोगे और आगे बढ़कर काम नहीं करने दोगे, तो आपका बच्चा समस्याओं से लड़ना कैसे सीखेगा? जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना कैसे सीखेगा? समस्याओं से निपटना कैसे सीखेगा? जब कोई समस्या आएगी तो उसे तो पता है कि मेरे मां बाप आकर मेरी समस्या को झेल लेगा तो वो तो निश्चिंत हो जाएगा, वो तो आराम से रहेगा, उसे पता है कि यह समस्या मेरी नहीं है, ये समस्या तो मेरे फादर और मदर की है। तो आजकल ये बुलडोजर पेरेंटिंग बहुत चल रही है, और हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से भी ज्यादा खतरनाक ये बुलडोजर पेरेंटिंग होती है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है? कि बच्चे की हर चीज में इन्वॉल्व रहना, लेकिन बुलडोजर पेरेंटिंग में उस बच्चे को समस्या नहीं झेलने देना, समस्या झेलेंगे तो माता पिता। और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? जब कभी भयानक प्रॉब्लम, कोई समस्या बच्चे के सामने आती है और जब उस वक्त माता पिता नहीं रहते हैं ना, तो बच्चा जब अचानक किसी प्रॉब्लम को फेस करता है ना, तो फिर वो फेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसे तो अनुभव ही नहीं है। और जब वो अचानक किसी प्रॉब्लम को फेस करता है ना, और जब वो उस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाता है ना, तो क्या होता है पता है आपको? आपका बच्चा या बच्ची सुसाइड कर लेते हैं। किस वजह से सुसाइड करते हैं? सिर्फ इस वजह से, आपकी इस गलत आदत की वजह से, हर मां बाप की इस गलत आदत की वजह से कि आप अपने बच्चे को बुलडोजर पेरेंटिंग दे रहे हो। क्यों? हर छोटी मोटी समस्या बच्चे को झेलने दे, बच्चे को हताशा से गुजरने दे, बच्चे को निराशा से गुजरने दे। जब बच्चा हताशा, निराशा, दुख और समस्याओं से नहीं गुजरेगा, तो वह जीवन का अनुभव कैसे लेगा? वह जीवन में चलना कैसे सीखेगा? वह इस दुनिया से लड़ना कैसे सीखेगा? आप ही तो सिखाओगे, फादर और मदर ही तो सिखाएंगे, अगर आप ही उसके लिए ढाल बन जाओगे, बुलडोजर बन जाओगे। अपने बच्चे के सामने कोई समस्या आई और आप बुलडोजर लेके खड़े हो जाओगे, नहीं, मेरा बच्चा यह समस्या नहीं झेल सकता है, हम झेलेंगे। अगर आप भी ये बात सोचते हो तो मैं आपको, फादर और मदर को कहता हूं कि आप सबसे बड़े मूर्ख हो कि अपने बच्चे को समस्या नहीं झेलने दे रहे हो, अपने बच्चे को इस दुनिया में पैर खड़े करने नहीं दे रहे हो। तो ऐसा कभी मत करना। ये बुलडोजर पेरेंटिंग आपके बच्चे के लिए, आपकी बच्ची के लिए बहुत बड़ी घातक साबित हो सकती है। अगर आपके बच्चे को इस दुनिया में जीना सिखाना है, आपकी बच्ची को इस दुनिया में जीना सिखाना है, तो उनको समस्याओं को फेस करने देना, प्रॉब्लम्स को फेस करने देना, बड़ी से बड़ी मुश्किल आए तो उनको फेस करने देना, हताशा से गुजरने देना, निराशा से गुजरने देना, दुख को सहन करने देना, क्योंकि यही दुख सहन करने से सहन शक्ति पैदा होती है। निराशा और हताशा को दूर करने से अंदर धैर्य पैदा होता है, सहन शक्ति पैदा होती है, और यही सहन शक्ति, यही धैर्य जब भविष्य में बड़ी बड़ी समस्या आती है ना, उस वक्त काम आती है। तो अपने बच्चे को थोड़ी बहुत मुश्किलें सहन करने दे,
छोटी छोटी समस्याएं सहन करने दे, बुलडोजर पेरेंट कभी मत बनना। यह आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है।